हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। यहाँ पर मेरे पास हैं दो बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर, तो एक तरफ है बोर्डस्टोन 200 और दूसरी तरफ है पोर्ट्रॉनिक्स साउंड ड्रम। तो देखते हैं कैसी क्वालिटी इन दोनों की निकल कर आती है, कौन सा स्पीकर है ज़्यादा लाउड, कौन सा स्पीकर देता है आपको ज़्यादा कनेक्टिविटी के ऑप्शन और कौन सा वैल्यू फॉर मनी है अगर आपको इनमें से कोई ख़रीदना हो। दोस्तों, साउंड टेस्ट से पहले हम देख लेते हैं इन दोनों स्पीकर की स्पेसिफिकेशन, देख लेते हैं कौन सा स्पीकर आपको ज़्यादा ऑफर करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पीकर की, एक ब्लूटूथ स्पीकर की, वो होती है उसका प्लेबैक टाइम, कि कितनी देर तक वो आपको म्यूज़िक दे पाएगा। तो यहाँ पर जो ये स्पीकर ये आता है 1800 mAh की बैटरी के साथ, 10 W का इसके अंदर स्पीकर है जो कि आपको पैसिव रेडिएटर के साथ आता है। और जो प्लेबैक टाइम आपको यहाँ पर मिल जाता है वो मिल जाता है 7 घंटे का 70-80% वॉल्यूम पर। और अगर हम बात करें बोर्डस्टोन 200 की, तो इसके अंदर 1500 mAh की बैटरी है और 3 W का स्पीकर के साथ ये आता है और जो आपको प्लेबैक टाइम दे देता है 10 से 12 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देता है। तो अगर आप एक स्पीकर चाहते हैं प्लेबैक टाइम के उसमें, तो ये फिलहाल ऊपर रहता है, लेकिन बैटरी यहाँ पर ज़्यादा है और आपको प्लेबैक टाइम कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ा स्पीकर दिया गया है। अगर हम और चीज़ों की बात करें जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है, कनेक्टिविटी ऑप्शंस, अगर आप एक स्पीकर पोर्टेबल स्पीकर खरीद रहे हैं तो आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल रहे हैं वो है, आपको यहाँ पर पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, ऑक्स केबल का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। अब बाकी एज अ ब्लूटूथ स्पीकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं जो इसमें ऑप्शन, और इसमें FM मोड भी आपको मिल जाता है, यानी अगर आप इसे डायरेक्ट स्पीकर को FM के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस स्पीकर की जो कि है बोर्डस्टोन 200, यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं वो है सिर्फ ऑक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी आप इसे ऑक्स केबल के थ्रू प्ले कर सकते हैं और एज अ ब्लूटूथ स्पीकर तो आप इसे प्ले कर ही सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के ऑप्शंस के मामले में ये स्पीकर काफ़ी आगे रहता है क्योंकि आपको यहाँ पर FM मोड मिल रहा है, पेन ड्राइव के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और SD कार्ड का ऑप्शन आपको दोनों ही स्पीकर में नहीं मिलता, लेकिन आप पेन ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है तो आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो दोनों ही स्पीकर जो हैं, मैं वाटर प्रूफ तो नहीं कहूँगा, कंपनी कहीं जगह मेंशन करती है कि ये वाटर प्रूफ है, लेकिन दोनों ही स्पीकर वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट रेजिस्टेंट है। और बेसिकली अगर आउटडोर की बात करें तो दोनों ही स्पीकर बेहतर बढ़िया रहेंगे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा आउटडोर स्पीकर के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने इसका एक ड्रॉप टेस्ट भी करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। काफ़ी ड्यूरेबल स्पीकर है ये, और मतलब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत हैवी डिज़ाइन है, और यहाँ पर आपको माउंट का ऑप्शन भी मिल रहा है तो आप इजीली किसी स्टैंड में लगाना चाहें, अपने बाइक में लगाना चाहें, कहीं भी आप स्टैंड के कोई भी माउंट लगाकर इसे लगा सकते हैं। और बाकी हल्की फुल्की बारिश से, पानी से इन दोनों स्पीकर का कुछ नहीं होने वाला है, तो उस चीज़ में दोनों ही स्पीकर ये काफ़ी बढ़िया रहते हैं। बाकी हम इन दोनों स्पीकर को प्ले कर लेते हैं, एक साउंड ट्रैक में प्ले कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कौन सा स्पीकर ज़्यादा लाउड रहते हैं, और उसके बाद मैं आपको दूंगा अपना फाइनल ओपिनियन। तो पहले शुरुआत करते हैं हम बोर्डस्टोन 200 से और फिर देखेंगे साउंड ड्रम को। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अब बारी आती है इस साउंड ड्रम की, तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ तभी ये पेयर हो पाएगा। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, तो लुक वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो इसका डिज़ाइन है स्टर्डी बहुत है, लेकिन कुछ अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से। तो इसको ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन।
Bluetooth mode. तो दोस्तों, जैसे कि आपने साउंड ट्रैक को सुना है दोनों ही स्पीकर में, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं वो है कि लाउडेस्ट कौन सा स्पीकर ज़्यादा लाउड है। तो लाउडनेस के मामले में ये स्पीकर काफ़ी आगे हैं। यहाँ पर आपको 10 वॉट का स्पीकर मिल रहा है और लाउडनेस तो गज़ब की है इस स्पीकर की, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड है। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों स्पीकर को तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको लाउडनेस में देखने को मिल जाएगा। ये तो थी एक चीज़। अगर दूसरी चीज़ की बात करें क्लैरिटी की, जो क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक है वो 100% वॉल्यूम पर कैसा है, तो अगर दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जाए 100% वॉल्यूम पर, तो जो इसकी जो आवाज़ है, जो क्लैरिटी निकल कर आती है, वो थोड़ी सी आपको डिस्टर्बिंग दिखती है 100% वॉल्यूम पर, मतलब इतनी खुल के क्लियर नहीं निकल कर आती है इसके कंपैरिजन में। लेकिन 70% वॉल्यूम पर आई थिंक ये बेहतर रहेगा। लाउडनेस भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और क्लैरिटी भी आपको सही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसे फुल लाउड स्पीकर को यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा साउंड के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप आउटडोर चाहिए, आपको काफ़ी लाउडनेस चाहिए, तो आपको इस स्पीकर के साथ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये जो बोटस्टोन 200 है, लाउडनेस और स्पीकर के कंपैरिजन में काफ़ी सही है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में दिखाया है। लेकिन अगर हम इन दोनों स्पीकर को, जैसे मैंने आपको क्लियर बताया, ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है 100, मतलब फॉर श्योर ये एक स्पीकर जो है सबसे ज़्यादा लाउड आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो जो इसका प्राइस है वो है 1899 रुपये में आपको स्पीकर मिलता है। ये स्पीकर आपको मिल जाता है 1300 रुपये में डील में, 1000 रुपये तक का मिल जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो रहता है वो प्राइसिंग का रहता है। अगर आपका बजट है 2000 का स्पीकर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 2000 में कोई ऐसा स्पीकर हो जो सबसे ज़्यादा लाउड हो, तो डेफिनेटली ये स्पीकर आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप 2000 का बजट रखते हैं और 2000 तक का स्पीकर लेना चाहते हैं तो ये स्पीकर गो है। बाकी इस प्राइस रेंज में आई थिंक ये स्पीकर भी अपनी जगह काफ़ी सही है। इन दोनों के कंपैरिजन में मैं यही स्पीकर रिकमेंड करूँगा। अगर आप 1200-1300 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप अपने थोड़े से पैसे और खर्च करें और 2000 रुपये के स्पीकर के लिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 4.2 मिल रहा है, ब्लूटूथ 4.1 आपको यहाँ पर मिल रहा है, थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है क्वालिटी वाइज, लुक वाइज जो आपको यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, एक लुक एंड फील जो भी ज़रूरी होता है टेबल पर लगा हुआ अच्छा लगता है, तो वो चीज़ आपको काफ़ी बढ़िया मिल रही है इस स्पीकर के अंदर इसके कंपैरिजन में। बाकी अपने टाइम का एक बेस्ट स्पीकर रहा है और मुझे काफ़ी पसंद था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो अपग्रेड ज़रूरी होता है, और वही यहाँ पर आपको मिल रहा है 2000 में, 1899 में। ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए, कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी आपको काफ़ी अच्छे स्पीकर के अंदर मिल रहे हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़्यादा कौन सा पसंद आया स्पीकर और कौन सा स्पीकर आप ख़रीदना चाहेंगे। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक गिव अवे करूँ आप लोगों के लिए। मेरे पास बहुत सारे स्पीकर्स हो गए हैं जिनका मैं गिव अवे करना चाहता हूँ और आप लोगों को वो स्पीकर्स देना चाहता हूँ। पहले मैंने, अभी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, उनको मैं एक स्पीकर सेंड कर रहा हूँ। वो एक ऑफिशियल गिव अवे नहीं है, मैं अपनी तरफ से जैसे उन्हें एक स्पीकर भेजना चाहता हूँ तो मैं उन्हें एक स्पीकर भेज रहा हूँ, लेकिन एक ऑफिशियल मैं गिव अवे करने वाला हूँ। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि और किस तरह की वीडियोस आप पसंद करेंगे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। बाकी इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा स्पीकर आपको बेहतर लगा है और ये वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।